गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। देश भर में आज किसान संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, लेकिन आज गुरुग्राम में इसका क्या असर दिख रहा है वो तस्वीरें आप लोगों के सामने पेश करते हैं। किसान संगठनों ने जो चक्का जाम का आह्वान किया है उसको चक्का जाम केवल पालम विहार में थोड़ा सा किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाते हैं कि पालम विहार में जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल हैं, और वो जो बजघेड़ा इलाका है पालम विहार का, उस इलाके में कृष्णा चौक पर आज सुबह ये बैठे 12 बजे के आसपास, और उसके बाद रेजांगला चौक तक ये लोग इस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अब उसके बाद अगर तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं, जहां पर ट्रैफिक ज़रूर लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दिल्ली में जो गाड़ियां एंटर कर रही हैं तो वहां पर दिल्ली पुलिस ने कुछ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं ताकि गाड़ियों पर निगरानी रखी जा सके और जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा सके कि कहीं इनमें जैसे 26 जनवरी पर दिल्ली में उत्पात मचाया था दंगाइयों ने, उस तरह कोई उत्पात ही तो इन गाड़ियों में भरकर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इस तरह बैरिकेड लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया है। 200-300 मीटर का ये ट्रैफिक जाम है जिसका खासा असर जो है वो गुरुग्राम पर नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम में किसान आंदोलन का कोई खास असर नज़र नहीं आ रहा है। किसान संगठन, हालांकि किसान जो बता रहे हैं अपने आप को, वो गुरुग्राम के राजीव चौक पर पिछले काफ़ी दिनों से बैठे हैं, लेकिन आज वो वहां से उठकर बजघेड़ा इलाके में वहां पर कृष्णा चौक पर वो बैठे हैं 3 घंटे के लिए। उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है जिसका असर कोई खासा गुरुग्राम में देखने को नहीं मिला है। बाकी अगर बॉर्डर्स की बात करें तो बाकी बॉर्डर्स पर भी समांतर इसी तरह के हालात हैं जैसे यहाँ दिल्ली गुरुग्राम जो राजोगरी बॉर्डर है, इस राजोगरी बॉर्डर पर हालात है, चाहे हम कापासेडा बॉर्डर की बात कर लें या फिर आया नगर बॉर्डर की बात कर लें, तो वहाँ भी दिल्ली पुलिस इसी तरह मुस्तैद है और नाके लगाए हुए हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके, कोई इस आंदोलन की आड़ में दिल्ली में उपद्रवी ना घुस सके। ये सब हालात हमने आप लोगों के सामने रखे हैं कि किसान आंदोलन ने, किसान संगठनों ने जो चक्का जाम का आह्वान किया है उसका क्या असर गुरुग्राम में दिखा आज। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।